ओके स्टूडेंट्स, आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 57 जो है वो मुझे करवाना है इस लेक्चर में। ये इसकी इमेज है, ये एक लॉन्ग सम है, पूरा एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है, सिर्फ तीनों एक्टिविटीज नहीं। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, नोट्स दिए हुए हैं, उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दी हुई है, टोटल 6 एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे फॉर्मेट जो है मैंने पहले से ही बना दिया है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट, एक पेज का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। उसके बाद साइड में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नीचे हम जो लास्ट की कैलकुलेशन करते हैं, नेट इंक्रीज डिक्रीज, उसके बाद ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस, एंड हमारा क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। साइड में मैंने पहले से ही दो तीन अकाउंट्स के फॉर्मेट कॉपी कर दिए। अब ऑब्वियसली मैं लाइव लेक्चर में नहीं बनाऊंगा ये सारे फॉर्मेट्स, आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लंबा है, लेंथी होता है ये थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अब एडजस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दी हुई है, आपको दी हुई है, सबसे पहले लिखा हुआ है अ मशीन विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 25,000 रुपीज। सेकेंड एडजस्टमेंट भी कनेक्टेड है, सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000 रुपीज। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अकाउंट बना के रखे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट, ये हमारे वर्किंग नोट है। ओके, मशीनरी अकाउंट एसेट है, एसेट में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मशीन की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई होगी। यहाँ पे एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आपको दिए हुए हैं, पिछले साल के 5,10,000, 31/3/2020 के 5,10,000 एंड 31/3/2021 के आपको दिए हुए 6,20,000। मैं फिर भी एक बार नोट्स में चेक करूंगा कि कोई और एसेट तो नहीं है इसके अंदर। शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन, रिजर्व एंड सरप्लस, अदर करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, और कोई इन्फॉर्मेशन इनके एसेट्स के बारे में नहीं दी हुई, तो मैं अज्यूम करूंगा कि जितने भी आपको टेंजिबल एसेट दिए हुए हैं ये मशीन। तो मशीन की ओपनिंग वैल्यू है 5,10,000, क्लोजिंग वैल्यू जो है वो है 6,20,000। ठीक है, एक बार वापस से, 5,10 एंड 6,20। डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 5,10,000 एंड क्रेडिट साइड पे मैं आप लिखूंगा 6,20,000। डेबिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड क्रेडिट साइड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CF 6,20,000। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, दो एडजस्टमेंट है इससे कनेक्टेड। सबसे पहली एडजस्टमेंट है कि एक मशीन जो थी वो 40,000 की थी, वो हमने 25,000 में भेजी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये है सेल्स ऑफ मशीनरी, 25,000 रुपीज में बेची। अच्छा, अब उस मशीन का कुछ लॉस वगैरह नहीं दिया हुआ है, केस लॉस वगैरह या डेप्रिसिएशन इस स्पेसिफिक मशीन का नहीं दिया हुआ है अलग से, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ मशीन अकाउंट ही बनाना है आपको। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक मशीन का कोई भी डेप्रिसिएशन या लॉस नहीं दिया हुआ है, तो मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि 40,000 की मशीन थी, 25,000 में बेच दी, तो जो डिफरेंस है 15,000 वो हमारा लॉस ही होगा। ठीक है, तो लॉस की एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड पे होती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड लॉस हुआ है हमारा 15,000 रुपीज का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज एट दी ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीन पे हमने कितना चार्ज किया, 70,000 टोटल सारी मशीन पे मिला के 70,000। उसकी वजह से भी मशीन की वैल्यू कम होती है, हम क्रेडिट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड पे 70,000, मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, ये 70,000 रुपीज इसका डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद इसको टैली कर देते हैं, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 7,30,000, डेबिट साइड का टोटल है 5,10,000। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, उसमें से हम लोग डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो बाकी 2,10,000 आ रहा है डेबिट साइड पे, प्लस वाली साइड पे आ रहा है मतलब ये हमारी मशीन हमने खरीदी होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन परचेज,
हाँ, अब इनकी एंट्रीज जो है वो किस तरीके से होंगी, ये तो मैंने अकाउंट बनाया, ये वर्किंग नोट है, पर ऑब्वियसली वर्किंग नोट नहीं चाहिए, इसके जो इफेक्ट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमने मशीन बेची तो 25,000 रुपीज मिले, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा इनफ्लो में। मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन सोल्ड, एंड मशीन सोल्ड में जो इसकी अमाउंट यहाँ पे आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है 25,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25,000। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट है वो आपको दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसमें मैं ऐड करते हैं, हम यहाँ पे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक एक करके इसके इफेक्ट्स करेंगे हम लोग। यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की जो अमाउंट है वो आपको दी हुई है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे होगा दूसरा इफेक्ट। यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एंड इसका जो डेप्रिसिएशन है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 70,000 रुपीज। फिर इसके बाद यहाँ पे बैलेंस की तो कोई एंट्री होती नहीं है, यहाँ पे आपको टू बैंक आपको दिया हुआ है। ये हमने मशीन खरीदी है, 2,20,000 रुपीज की मशीन खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, ऑब्वियसली आपने मशीन खरीदी पैसे पे किए तो आउटफ्लो में जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन परचेस्ड, एंड इसमें अमाउंट जो है माइनस में जाएगी 2,20,000 रुपीज। मशीन खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, तो ये इस एडजस्टमेंट के इफेक्ट हो गए। ये बहुत बेसिक एडजस्टमेंट है, नॉर्मली हर एक सम में लॉन्ग सम अगर आपको देते हैं एग्जाम में जो कि हमेशा आता है, तो आपको ये वाली एडजस्टमेंट तो जो है वो देंगे ही देंगे, ठीक है। कभी कभी ऑब्वियसली साथ में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देते हैं, वो भी मैं आपको जब मैं ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के अलग अलग करके सम सिखा रहा था तब मैंने वो भी सिखाया, लॉन्ग सम्स में भी आएगा। अच्छा, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट हो गई, तीसरी एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम किए, देख लेते हैं। ये रहे प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल में आपको दूसरी अमाउंट दी हुई है, लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी अमाउंट पहले आपको यहाँ पे दी हुई है 2 लाख, फिर आपको यहाँ पे दी हुई है 1 लाख। ओके, मतलब पहले हमारे पास प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपीज के थे, पर एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपीज के हो गए, मतलब हमने 1 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, आउटफ्लो में जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर रिडीम ठीक है, एंड इसकी जो अमाउंट है वो मैं माइनस में लिखूंगा 1 लाख। हाँ, अब इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट दी हुई है, परसेंटेज दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर जो हमने रिडीम किए वो हमने 5% प्रीमियम पे रिडीम की। ओके, तो उस पे जो प्रीमियम है वो भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, उसके इफेक्ट्स मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी अमाउंट जो है वो आएगी 1 लाख रुपीज का 5%, ठीक है। अब 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपीज, तो ये 5,000 रुपीज हम प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है वो आउटफ्लो में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, यहाँ से माइनस होगा। अब इसका दूसरा इफेक्ट जो है, इसका दूसरा इफेक्ट मैं यहाँ पे करता, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे होता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पर अगर यहाँ पे मैं ये 5,000 लिखता, पर अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ करके लिखा हुआ होता तो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने प्रीमियम जो है वो राइट ऑफ किया, तो फिर इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, पेमेंट की एंट्री होगी। अच्छा, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अब इसको फाइंड करने का ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आपको दिया हुआ होता है, ये रहा नोट्स टू अकाउंट में आपको अदर करंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है,
अदर करंट लाइबिलिटीज में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तब हमको देखना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे एंड डिबेंचर्स के टाइम पे भी हम रिडम्पशन किस तरीके से करेंगे। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम का पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है, एंड वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पहले से ही देखो लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पहले देखो इसकी अमाउंट थी 10,000, अभी इसकी अमाउंट हो गई 5,000। अभी 5,000 कम क्यों हो गया, क्योंकि 5,000 हमने पे किया इसीलिए वो 5,000 कम हो गया, ठीक है। उसका एक ही इफेक्ट होगा, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कहीं पे भी राइट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। अगर राइट ऑफ करने के लिए बोले, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो कि एंड राइट ऑफ द प्रीमियम, तो हम फिर ऑपरेटिंग में उसे ऐड भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। तो ये थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गई। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एन इंटरिम डिविडेंड एट 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31st January। हमने इक्विटी शेयर्स पे इंटरिम डिविडेंड पे किया। अब इसका बहुत सिंपल रूल ही आपको याद रखना है, इंटरिम डिविडेंड हमेशा जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है इक्विटी शेयर का उस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। बीच में हमने अगर शेयर्स वगैरह इशू वगैरह किए हैं उस पर हम इंटरिम डिविडेंड पे नहीं करते हैं। इंटरिम डिविडेंड हमेशा साल की स्टार्टिंग में जितने हमारे पास शेयर्स थे उस पर पेमेंट होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स तो चलो हो गया, उसका 12% का ओके, उसकी एक और एडजस्टमेंट शायद होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में ना आपको परसेंटेज दिया हुआ है 12%। ये रही फिफ्थ एडजस्टमेंट एक और है। डिविडेंड एट 12% वॉज प्रपोज्ड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2021 ऑन 1 lakh rupees एंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020 ऑन 2 lakh rupees। अब ये तो बहुत सिंपल है, पिछले साल का जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम इस साल पिछले साल का जो डिविडेंड है वो हम इस साल पे करते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इनकम टैक्स का भी ऐसे ही होता है, ओके, इस साल का इनकम टैक्स हम अगले साल पे करेंगे और पिछले साल का इनकम टैक्स हम इस साल पे करेंगे। तो ये बहुत बेसिक रूल है, यहाँ पे इन्होंने फिर भी आपको बताया हुआ है, कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर भी अच्छा है बताया हुआ है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन तो ऐसे ही करूंगा, जो 12% हम डिविडेंड पे करेंगे वो इस 2 lakh rupees वाली अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। 2 lakh rupees यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा यहाँ पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो जाएगा 2 lakh rupees के प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट है ये हो जाएगा 2 lakh का 12/100, इसकी अमाउंट आ रही है 24,000 rupees। अब 24,000 rupees जो है वो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है। इसके दो इफेक्ट्स होंगे, सबसे पहले तो ये हमारा एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आउटफ्लो में जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 24,000 माइनस। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स में होता है। उसका भी फॉर्मेट मैंने बना दिया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना होता है, हमारे क्वेश्चन की पहली पहली लाइन होती है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे करवाते हैं कि भाई एकदम स्टेप बाय स्टेप कि भाई पहले पूरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद सिर्फ ऑपरेटिंग सॉल्व करो, सिर्फ इन्वेस्टिंग। मैं ऐसे नहीं करवाता, मतलब मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके हम गो विद द फ्लो जाएं, जैसे एडजस्टमेंट्स दी हुई है वैसे हम करें, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ के सॉल्व नहीं करना चाहिए इस चैप्टर में, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत देर से कंप्लीट होगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, बहुत लेंथी होता है, एग्जाम में लिखने में टाइम लगता है। ऑब्वियसली 2 पेज का फॉर्मेट है, उसके बाद वर्किंग नोट्स भी है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं पकड़ना, ठीक है, जो पॉइंट आपको दी हुई है उसको सॉल्व करो, सेकेंड पॉइंट, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई, फिर जैसे बैलेंस शीट में दिया हुआ है अमाउंट्स उसके मैच दी फॉलोइंग, जैसे हमको देख के अमाउंट्स लिखनी होती है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको कि इस पॉइंट के रिलेटेड कहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये वाली पॉइंट के रिलेटेड कहाँ पे एडजस्टमेंट, ऐसे नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट है, क्लोजिंग सरप्लस प्लस होता है, ओपनिंग सरप्लस माइनस होता है, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, एंड कुछ चीजें जो है वो माइनस होती है, इसका भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जो नॉन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हैं, एक्सपेंसेस है, वो ऐड होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम्स वगैरह है वो यहाँ पे लेस होती है। तो जो डिविडेंड है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी वर्किंग नोट है। बहुत बार आप देखोगे कि ये कैलकुलेशन आपके टेक्स्ट बुक में आपके स्कूल के सर आपको
फॉर्मेट के अंदर ही करवाते होंगे, ठीक है। बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं हमेशा इसको हमारे सम के अलग ही रखता हूँ, क्योंकि वैसे ही फॉर्मेट बहुत लेंथी है ऑपरेटिंग का, तो खासकर एक पेज का फॉर्मेट है। अगर आप ये कैलकुलेशन भी अंदर ही करोगे तो फिर जगह कम पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 24,000 वहां पे माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमने पे किया तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में से पैसा जाएगा एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स में इसे ऐड करेंगे। चलो ये एडजस्टमेंट जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आपको यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट दी हुई है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो सर फिर ये जो 1 लाख का जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है उसका क्या, ठीक है। उसका कुछ नहीं करना है, उसका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो 1 लाख का 12% है वो होता है 12,000, मतलब इस साल का प्रपोज डिविडेंड है 12,000, ये हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, ओके। नेक्स्ट ईयर जो भी अमाउंट हमें पे करनी है उससे इस साल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इस साल की अमाउंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कितना पे करेंगे वो नहीं चाहिए। जो 1 लाख रुपीज पे 12% है ये वैसे भी नेक्स्ट ईयर पे होने वाला है, ठीक है। तो इसका कोई भी लेना देना इस सम के साथ नहीं। हाँ अभी आगे इंटरिम डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर आपको दिया हुआ है, इक्विटी शेयर आपको दिया हुआ है 3 लाख पहले, एंड फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3,50,000, ओके। मतलब 50,000 जो है उसका 50,000 का इक्विटी शेयर हमने इशू किया, ठीक है। 50,000 रुपीज बढ़ गए, मतलब हमने शेयर इशू किए होंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, इनफ्लो में जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी अमाउंट है 50,000 रुपीज। हाँ 50,000 रुपीज जो है इसकी अमाउंट है मैंने ऐड कर दी। दूसरा इस पे अभी इंटरिम डिविडेंड निकालना है, वो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे निकलता है, तो इक्विटी शेयर्स की जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज पे इसके अमाउंट की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ओके ये है 3 लाख रुपीज का 15% आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 3 लाख का 15% ये होता है 45,000, ये होता है 45,000 रुपीज। 45,000 रुपीज के दो इफेक्ट्स होंगे, सबसे पहले तो ये हम पे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इंटरिम डिविडेंड पेड एंड यहाँ पे आएगा माइनस में 45,000। दूसरा इसका भी दूसरा इफेक्ट जो है वो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंटरिम डिविडेंड पेड एंड इसके जो 45,000 है वो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। चलो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको हमारी फोर्थ भी हो गई, फिफ्थ एडजस्टमेंट भी हो गई। लिखा हुआ है फ्रेश इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ओके। तो फ्रेश इक्विटी शेयर्स जो हमने 50,000 के इशू किए, ये 50,000 के शेयर्स जो हमने इशू किए इस पे हमने प्रीमियम भी चार्ज किया, ठीक है। प्रीमियम कितना चार्ज किया है 10%, तो मतलब 5,000 का प्रीमियम भी हमने चार्ज किया है, ठीक है। तो वो 5,000 का प्रीमियम जो है वो हमें मिलेगा। अब इसको आप एक्चुअली दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने जब मेरे ही वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बार ऐसे किया है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता था इंक्लूडिंग, जब मैंने इस टाइप के ऑपरेटिंग के सिर्फ सम्स कराए थे, मैं यहाँ पे लिखता था फाइनेंसिंग में इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, और मैं 5,000 इसके अंदर ही ऐड कर देता था। पर आप अलग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे अलग से जाके लिख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एंड इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे अलग से कर दो। 50,000 के शेयर्स हैं और 5% का प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा 5% का है 10% का, मैं एक बार चेक कर लू, 10% बच गए, 10% का प्रीमियम है, यहाँ पे लिखूंगा 10%, तो ये आएगा 5,000 रुपीज। ऑब्वियसली प्रीमियम मिलता है तो फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये हमारी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। हाँ अब स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट स्टेप होता है देख के लिखने वाला स्टेप, बस इसके बाद आपको मैच दी फॉलोइंग करनी होती। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है वो हो चुका है, ठीक है। शेयर कैपिटल के नोट्स में से हमने सारे इफेक्ट्स कर दिए इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आपको दिया हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसकी भी नोट आपको दी हुई है नीचे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो हम इफेक्ट जस्ट हमने किया, ओके। यहाँ से भी अमाउंट कैलकुलेट हो सकती है 5,000, ये पहले हमारे पास नहीं था, अभी हमारे पास है, ठीक है।
अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर इंक्रीज होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, वो हम फाइनेंसिंग में ऐड कर देते हैं। ये रहा 5,000, पहले जीरो था, अभी 5,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया, तो हमें ऑब्वियसली मिला है, जस्ट हमने कैलकुलेशन की, तो वापस से इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हाँ, इसके इफेक्ट हमारे वर्किंग नोट में होंगे। तो जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है वो है 1 लाख, क्लोजिंग वैल्यू है 2,50,000। ठीक है, तो जो क्लोजिंग वैल्यू है 2,50,000, उसमें से क्लोजिंग वाली वैल्यू जो है वो माइनस होगी 1 लाख रुपीज है शायद, मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। क्लोजिंग वाली वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? क्लोजिंग वाली वैल्यू दी हुई है 1 लाख, सही। तो क्लोजिंग वाली वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ पे 2,50,000 में से 1 लाख जाएगा, तो 1,50,000 जो है वो हमारा बैलेंस आएगा। चलो ठीक है, अभी भी इसको मैं टैली नहीं कर रहा हूँ, अभी भी शायद इसमें कोई एडजस्टमेंट हो, रिटर्न एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, ये रही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिबेंचर्स आपको दिए हुए। डिबेंचर्स की अमाउंट पहले थी 1 लाख, अभी हो गई 2 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स बढ़ गए हमारे, मतलब हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे। डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स इशूड एंड 1 लाख रुपीज जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हाँ, अब इस 10% के डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो कहीं पे दिया हुआ है, मैं ये चेक करूंगा। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई नहीं दी हुई, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जो 10% के डिबेंचर्स हमने इशू किए, इस पे हम जितना इंटरेस्ट हमको पे करना चाहिए था उतना ही पे करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी ये पॉइंट कि डिबेंचर्स कब इशू किए उसकी डेट नहीं बताई हुई, डिबेंचर्स हमने कब इशू किए उसकी डेट आपको नहीं बताई हुई, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि डिबेंचर्स हमने एट द एंड ऑफ द ईयर इशू किए हैं। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा वी विल अज्यूम दैट द डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, सो नो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स के इशू की डेट आपको नहीं बताई हुई, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि साल के एंड में इशू किए, तो उस पर कोई भी अमाउंट की इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, सो नो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड, ज्यादा सही शब्द है। हाँ, अब कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की पे करनी चाहिए थी, वो स्टार्टिंग के जितने हमारे पास डिबेंचर्स थे 1 लाख रुपीज, उस पर जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है, हाँ वो हम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो आएगा 1 लाख रुपीज, जो हमारे साल की स्टार्टिंग की अमाउंट है। 1 लाख रुपीज पे हम जो 10% यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब 10,000 रुपीज जो है वो हम पे करेंगे। ठीक है, तो 10,000 जो है वो पे होगा। अब 10,000 जो है उसके दो इफेक्ट्स होंगे, सबसे पहले हमारा एक्सपेंस है, ये जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो है वो यहाँ पे होगा लेस, यहाँ पे लिखूंगा डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा -10,000। अच्छा, दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसकी अमाउंट यहाँ पे है 10,000, तो वहां पे हुआ माइनस, यहाँ पे मैंने किया प्लस। चलो ये भी हो गया, इसके बाद आपको नीचे ट्रेड पेबल्स की अमाउंट दी हुई है, उसके लिए नीचे शायद कोई वर्किंग नोट नोट्स टू अकाउंट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ट्रेड पेबल की अमाउंट जो है पहले थी 46,000, पहले थी 46,000, अभी इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ गई, पहले थी 46, अभी हो गई 1,33,000, तो 1,33,000 में से 46,000 माइनस करेंगे तो 87,000 आता है, मतलब ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 87,000 रुपीज बढ़ गई, 87,000 रुपीज इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएंगे एंड मैं यहाँ पे ऐड करूंगा करंट लाइबिलिटी का सीधा इफेक्ट, करंट एसेट का उल्टा इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में यहाँ पे जो अमाउंट है वो 87,000 थी वो यहाँ पे ऐड होगी।
ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज के बारे में कुछ बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ है। अदर करंट लाइबिलिटीज के बारे में बताया हुआ है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसके भी इफेक्ट हो चुके हैं तो इसको नहीं छेड़ना। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताया हुआ है। अब ध्यान दो, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स बताया हुआ है, दिया हुआ है, पर इसकी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जो हमारा पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हमने पे किया और इस साल का जो टैक्स है वो हमने बनाया। मैं फिर भी एक बार अकाउंट बना के आपको सिखा देता हूँ क्या इसका इसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है वो बताता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट होता है हमारा, नॉर्मली एडजस्टमेंट होती है तो मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट मैं बनाता हूँ। उसमें चार ही अमाउंट्स होती हैं, यहाँ पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड इसकी चार अमाउंट्स होती हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे इसका प्लस होता है एंड डेबिट साइड पे इसका माइनस होता है, क्योंकि ये एक प्रोविजन है। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड डेबिट साइड पे इसका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आता है, टू बैलेंस सी ए। अब डेबिट साइड पे यहाँ पे जो अमाउंट आती है वो वाली आती है जो हमने पे किया, यहाँ पे आता है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, जो टैक्स हमने पे किया, टैक्स पेड। एंड क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट आती है यहाँ पे वो वाली आती है जो हमने करंट ईयर का बनाया था, यहाँ पे आता है स्टेटमेंट, ओके, यहाँ पे करंट ईयर का हमारा जो प्रोविजन है वो आता है, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, अब आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, नॉर्मली बहुत बार एडजस्टमेंट भी दी हुई होती है, तो मैं अकाउंट बनाता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, 24,000 ओपनिंग की एंड 12,000 क्लोजिंग की, 24 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 24,000, ठीक है, यहाँ पे आएगा 12,000। अब नॉर्मली आपको जब तीन चारों में से कोई तीन अमाउंट दी हुई होती है, वह चौथी अमाउंट हम ये अकाउंट बना के फाइंड आउट करते हैं। पर आपको यहाँ पे ना डेबिट साइड वाली अमाउंट दी हुई, ठीक है, ना आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड वाली अमाउंट दी हुई, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि जो 24,000 है जो पिछले साल का है वो हमने पे किया होगा, और ये जो हमारा करंट ईयर का 12,000 है ये हमने करंट ईयर का जो है वो बनाया होगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे, चेक करोगे तो टैली हो जाएगा, ऑब्वियसली 24 and 12, 36,000 डेबिट साइड का एंड क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल आएगा, ठीक है। तो अगर एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पिछले साल का टैक्स पे किया एंड इस साल का जो टैक्स है, जो करंट ईयर का बैलेंस है, वो हमारा करंट ईयर का भी प्रोविजन फॉर टैक्स है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स जो है किस तरीके से होते हैं वो तो आपको पता होगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग में यहाँ पे आता है लेस इनकम टैक्स पेड, जितनी हमने अमाउंट पे की वो यहाँ पे आती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा -24,000, ये अमाउंट हमने पे की। दूसरा, जो हमारा करंट ईयर का टैक्स है वो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था फिलहाल इसको टैली नहीं करो। यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, इसकी अमाउंट है 12,000, ये यहाँ पे ऐड होगा। चलो, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे एसेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो हो चुका है, फिर आपको दी हुई है 10% इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारा एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पहले थी, यहाँ पे दी हुई है इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है पहले थी 30,000, अभी हो गई 80,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 की खरीदी है तो 50,000 रुपीज हमारे जाएंगे। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ दें, यहाँ पे दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 10%। ओके, वापस से वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर खरीदी, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कब कैलकुलेट नहीं करते हैं, जब डेट्स वगैरह नहीं दी हुई होती, ठीक है। तो वी विल अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर परचेस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, सो नो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट की हमें नहीं मिलेगी क्योंकि डेट नहीं दी हुई आपको,
तो अब यहाँ पे 10% दिया हुआ है इसका, एंड वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैं वो इसकी कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एंड इसकी ओपनिंग वैल्यू जो है वो 30,000 है। 30,000 का 10% होता है 3,000, एंड 3,000 रुपीज जो है वो हम इन्वेस्टमेंट्स का हमें मिलेगा। ठीक है, तो 3,000 रुपीज जो है उसके इफेक्ट, सबसे पहले तो इनफ्लो में जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड इसकी जो अमाउंट है यहाँ पे आएगी 3,000 रुपीज इनफ्लो में। अच्छा, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे माइनस होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 3,000 यहाँ से माइनस होगा। चलो, अब ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। अब करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी यहाँ पे पूरे सम में कहीं पे भी तीनों एक्टिविटीज में इफेक्ट नहीं होता है, जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 42,000 एंड 72,000, ओपनिंग वाला है 42,000। सबसे पहले मैं हमारे सम के एंड में जाऊंगा, इसीलिए मैं फॉर्मेट पहले ही बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 42,000। अच्छा, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें ही ऐड करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है, ओपनिंग वाली वैल्यू, ओपनिंग वाली वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट्स की आपको दी हुई है 8,000। ओके, तो जो 8,000 है आपसे, ओके 8,000 हम ऐड करेंगे। ठीक है, 8,000 जो है वो ऐड होगा 42,000, एंड यहाँ पे 8,000। ओके, हाँ, अब इसके बाद क्लोजिंग भी आपको दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 70,000। ये हमारा फाइनल आंसर है, एंड इसमें जो क्लोजिंग कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000, वो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सबसे पहले क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 70,000, एंड क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000। तो आउटर कॉलम में टोटल 80,000 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है 80,000, सब मिला जुला के सब 80,000 फाइनल आंसर आना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे करंट एसेट में इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। ये भी बहुत इजी पॉइंट है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू पहले थी 1 लाख, अभी हो गई 90,000। इन्वेंट्रीज की वैल्यू 10,000 कम हो गई। अब इन्वेंट्रीज की वैल्यू कम हो गई, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो गई करंट एसेट की, तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखूंगा इन्वेंट्रीज, इसकी वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, पर ट्रेड रिसीवेबल में आप देखो तो नीचे नोट आपको दी हुई है। सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 1 लाख एंड 2 लाख, डेटर्स की वैल्यू 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गई। करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटर्स, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हम यहाँ पे 1 लाख जो है वो माइनस करेंगे। एंड दूसरा आपको यहाँ पे बैड डेट्स का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, इसके भी इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई उसके बेसिस पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो, अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में, नॉन कैश इनकम्स में इसको लेस करते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू जो है पहले थी 10,000, अभी हो गई 15,000, 5,000 रुपीज बढ़ गई। ठीक है, 5,000 रुपीज हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू बढ़ गई, तो हम नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके ऐड करेंगे इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी वैल्यू है 5,000। अब इसके बाद और कुछ भी नहीं बचा, सब कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी जो नोट है उसको भी टैली कर लेते हैं। 1,50,000 में ये 24,000, ये 45,000, एंड ये 1,20,000 प्लस, एंड माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये 2,31,000 हमारी पहली पहली लाइन में जाएगा, 2,31,000,
30,000, ये हमारी पहली पहली लाइन पे जाएगा 2,30,000, इसका इफेक्ट 2,31,000 होगा, 2,31,000। हाँ अब इसको टैली करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 15,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस का टोटल है 1,45,000, माइनस में एक ही अमाउंट है 3,000। ओके हाँ अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है वो आ जाएगा, ठीक है, 2,31,000 उसमें 1,45,000 प्लस एंड 3,000 जो है वो माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है 3,73,000। ठीक है 3,73,000 में जो हमारी दो अमाउंट्स हैं 87,000 एंड 10,000 वो प्लस करेंगे, एंड अमाउंट माइनस में 1,00,000 रुपीज़ वाली अमाउंट आपको माइनस में दी हुई है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा 3,73,000 में 97,000 एंड उसमें 1,00,000 माइनस, तो ये आ रहा है 3,70,000। इसको मैं बाद में कर देंगे, मतलब ये जो मेरे को हाईलाइट है वो यहाँ पे करना है, ठीक है, ये हाईलाइट होना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए। अच्छा इसके बाद इनकम टैक्स जो है वो 24,000 है, तो 3,70,000 में से 24,000 जो है वो माइनस होगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 3,46,000, इसको कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। हाँ अब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाते हैं, प्लस में 25,000 and 3,28,000 एंड माइनस में दो अमाउंट्स हैं -2,20,000 एंड -50,000, यहाँ पे दो अमाउंट्स हैं टोटल इसका 2,70,000 है, तो हो गया 2,280 में से 28 में से 2,70,000 जो है वो माइनस करेंगे, बाकी 2,42,000 माइनस में आ रहा है, चलेगा माइनस में पॉसिबल है। अच्छा इन फाइनेंसिंग में बहुत सारी अमाउंट्स हैं, पहले ये 55,000 और 1,00,000 को प्लस कर देते हैं, तो इसका 1,55,000 आ रहा है। अच्छा माइनस में बहुत सारी अमाउंट्स हैं, ये 1,05,000 24,000 45,000 and 10,000, तो 1,84,000 जो है वो माइनस में है। हाँ अब ये 1,55,000 में -184 करेंगे तो इसका -29,000 आ रहा है जो कि पॉसिबल है। अब तीनों एक्टिविटीज का प्लस माइनस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर था 3,46,000, उसके बाद फाइनेंसिंग का था -2,42,000 एंड फाइनेंसिंग का था 29,000, तो इसका आ रहा है 75,000 रुपीज, ठीक है। 75,000 में जो ये 42,000 and 8,000 है वो प्लस करेंगे, ओके, तो हमारा आंसर 80,000 आना चाहिए, ओके, नहीं आ रहा है हमारा 75,000, तीनों का बैलेंस है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 346 -242 and -29, ओके 75 एंड ये 50,000 आ रहा है, तो शायद मेरी कोई मिस्टेक है, मैं चेक कर लेता हूँ, दो मिनट, वेरी वेरी मिस्टेक, ठीक है, एंड मतलब ये एक छोटी सी मिस्टेक आपका फाइनल आंसर गलत लेके जा सकती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 50,000 लिखा है मैंने, यहाँ पे 5,000 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो ज्यादा लगाने की वजह से सम गलत हो गया। हाँ अभी 5,000 मैंने तो फॉर्मूला लगाई हुई, तो आंसर चेक अपने आप चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया 3,01,000। हाँ अब फिर भी एक बार ये कैलकुलेशन मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ, तो 3,01,000 में ये 2,42,000 जो है वो माइनस होगा, और ये जो 29,000 है ये भी माइनस होगा, तो 30,000 इसका आंसर आ रहा है। हाँ 30,000 and 50,000 प्लस करके 80,000 आंसर आता है, ठीक है, चेक हो गया, परफेक्ट है, सिर्फ वो एक माइनर मिस्टेक थी, जीरो मैंने ज्यादा लगाया था, बाकी सब सही। हाँ अब मैं पूरा टैली हो गया, मैं शो कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 57 है, इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 57 का, पहले आंसर मैं दिखा देता हूँ फिर वर्किंग नोट्स भी दिखाऊंगा। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉज करके लिखते जाना, इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर
फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर, ठीक है, फाइनल में जो हम लास्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए, ठीक है, उसको प्लस नहीं करते हैं, वो आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद वर्किंग नोट्स में सबसे पहली ये इंपॉर्टेंट नोट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, पॉज करके लिखते जाना। अच्छा, इसके बाद ये मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो बना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, फिर भी आपको बनाना हो तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इसके बाद ये जो ऊपर हमने अलग से नोट्स किए, ठीक है, ये अलग से नोट्स अगर आपको लिखने, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 57।